हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है प्रगति इन लाइफ में। दोस्तों, रेल मंत्रालय द्वारा जो कि परीक्षा शुल्क की वापसी को लेकर बैंक खाता विवरण को पुनः अपडेट करने का क्या लेटर निकाला गया है, चलिए देखते हैं। जो कि दोस्तों 25/4/2024 के डेट में ये लेटर निकाला गया है, जो कि इसमें क्या अपडेट करने को बैंक खाता को लेकर बोला गया है। क्योंकि दोस्तों एक खाता में एक ही पैसा रिफंड किया जाएगा, डबल पैसा रिफंड नहीं किया जाएगा। चलिए देखते हैं। जो कि दोस्तों 2019 में जो वैकेंसी आई थी उसका पैसा को लेकर, रिफंड को लेकर अपडेट, बहुत सारे लड़कों का पैसा रिफंड नहीं हुआ था, इसलिए एक अपडेट करने को ये बोल रहा है। क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट में देख लेते हैं, केंद्रीय रोजगार सूचना संख्या RRC इतना है के तहत परीक्षा शुल्क वापसी के संबंध में रेलवे भर्ती बोर्ड दिनांक संख्या 13/4/2024, 21/4/2023 और 3/5/2023 के क्रम में यह भी सूचित किया जाता है कि गलत या अपूर्ण बैंक विवरण के कारण बड़ी संख्या में उम्मीदवार को रिफंड नहीं किया जा सका। देखिए, जो कि 13/4/2023 दोस्तों, 21/4/2023 और 3/5/2023 को जो कि गलत विवरण के कारण, जो कि बैंक खाता जो गलत था उसके चलते रिफंड नहीं किया गया, बहुत सारे उम्मीदवारों को पैसा रिफंड नहीं किया गया, इसलिए उन उम्मीदवारों को जिनका रिफंड गलत या अपूर्ण बैंक विवरण के कारण नहीं हो सका, अंतिम अवसर के रूप में बैंक विवरण को फिर से अपडेट करने के लिए लिंक प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। जिन उम्मीदवारों का रिफंड अभी तक नहीं किया गया है, उन्हें सलाह दी जाती है कि अपने बैंक खाते के विवरण को अपडेट करने के लिए इस अंतिम अवसर का उपयोग करें। जो कि दोस्तों जिसका इस डेट को जिसका पैसा नहीं आया है गलत बैंक खाता के विवरण के कारण, वो अपना फिर से अपडेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा में क्या बोला गया है। जो कि कुछ उम्मीदवारों ने परीक्षा शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड, UPI डेबिट कार्ड के माध्यम से किया है, उसी लेन देन मोड के माध्यम से रिफंड का विकल्प चुनना था। वर्तमान में उनका इंटरनेट बैंकिंग डेबिट बंद बदला हुआ हो सकता है, जिसके कारण बैंक द्वारा खाते का विवरण प्रदान नहीं किया जा सकता है, जो कि रिफंड नहीं किया। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लड़के जो कि बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, UPI डेबिट कार्ड से अपना पैसा पे किया था और उसके बाद दोस्तों उनका ये चेंज कर लिया, तो इसके चलते दोस्तों उसका पैसा रिफंड नहीं हो पाया। उसके बाद दोस्तों देख लीजिए यहाँ क्या बोला गया है, फोर देख लेते हैं। सबसे पहले कि 2024 वाला देख लेते हैं कि लिंक रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर 26/4/2024 सुबह 10 बजे से 5/5/2024 शाम 5 बजे तक उपलब्ध होगा। जो कि दोस्तों 26/4/2024 से स्टार्ट होगा 5/5/2024 तक ये साइट खुला रहेगा। रेलवे भर्ती बोर्ड के रिकॉर्ड का अभ्यर्थियों के विवरण के सत्यापन के बाद ही परीक्षा शुल्क वापस स्वीकार्य होगा। जो कि रेलवे भर्ती सत्यापन करेगा, उसके बाद परीक्षा शुल्क वापस करेगा। गलत या अपूर्ण या देय किए गए दावों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों फोर में बोला गया है कि एक बैंक खाते में केवल एक रिफंड ही अनुमति होगी। जिसने एक खाते से डबल किया है दोस्तों, उसको डबल पैसा नहीं मिलेगा, उसको एक ही पैसा रिफंड होगा। सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अपडेट या सूचनाओं के रेलवे भर्ती बोर्ड के अधिकारी वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, ऐसे ही रेलवे से जुड़ी सरकारी जानकारी के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।